माता जी, प्रभु जी, हमारे अतुल कृष्णदास प्रभु जी है। हम लोग तो भक्ति भक्ति ऐसा समझते हैं, जंगल में जाना भक्ति हमारे लिए बहुत कठिन है ऐसा समझते हैं, लेकिन आज अतुल जी बताने वाले हैं। मैं हर दिन हमारे लीडर्स को कुछ ना कुछ एक टॉपिक देता हूँ, तो वो टॉपिक पे डिस्कशन करके हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे आज। तो टॉपिक कितने अच्छा टॉपिक पे वो बोलने वाले हैं, वो बोलेंगे आज भक्ति आसान है, सचमुच आसान है क्या ना, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही ना डिस्कस करेंगे प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज एक छोटा सा टॉपिक है, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भक्ति के सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु को भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग मानते थे, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के धनी थे। 24 वर्ष की अल्प आयु में उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी एवं अपनी बीमार माँ को छोड़कर संन्यास ले लिया और कृष्ण भावनामृत की शिक्षा देने लगे। इन्होंने विलुप्त प्राय जो वृंदावन है वो विलुप्त हो चुका था और उसको पुनः बसाया और अंत में वहीं निवास करा। इन्होंने भक्ति के 8 श्लोक दिए हैं, जिसे हम श्री शिक्षाष्टकम कहते हैं, जिसके प्रथम श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि श्री कृष्ण का नाम कीर्तन चिंतन रूपी दर्पण को जिस प्रकार जो जो हमारे चित्त रूपी दर्पण है उसमें वासना और कामनाएं का मैल चढ़ा हुआ है उसका मार्जन करता है, यानी उसको स्वच्छ कर देता है, उसको पवित्र कर देता है। द्वितीय श्लोक में वह कहते हैं कि भक्ति जो है वो प्रत्येक भक्त को भक्ति में विभोर होकर भगवान का स्मरण और उनका कीर्तन करना चाहिए, और उसके लिए कोई देश काल का नियम नहीं है, क्योंकि जिसके कारण भक्ति उनको जो प्राप्त होती है उसके लिए कोई भी देश काल का नियम नहीं है। तृतीय श्लोक में कहते हैं कि वह स्वयं को, यानी कि प्रत्येक, स्वयं भी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ के तृण, यानी कि जो पेड़ का जो पत्ता होता है उसके समान, उससे भी अधिक नीच से नीच समझना चाहिए, और साथ ही वृक्ष के समान सहनशील होकर भक्ति, यानी उसके समान सहनशील होकर भक्ति विभोर होकर भगवान का कीर्तन करना चाहिए। चतुर्थ में कहते हैं कि मुझे धन स्त्री और अन्य की कामना नहीं है, केवल और केवल और केवल भक्ति की कामना है। पंचम श्लोक में कहते हैं, हे तनुनंदन, मैं आपका नित्य दास हूं, किसी कारण यदि जन्म और मृत्यु रूपी सागर में गिर पड़ा हूं तो कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूली बनाकर इस मृत्यु सागर से पार लगाइए। पंचम में कहते हैं कि आपका भक्तिमय कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र में से आंसुए बहेंगे और मेरा शरीर रोमांचित होगा, हे प्रभु। अष्टम में कहते हैं, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी कोटि कोटि युग के बराबर लग रहा है। अष्टम में वो कहते हैं अंतिम श्लोक में कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई और प्राणनाथ नहीं है। वह मेरी साधना भक्ति को स्वीकार करें या न करें, परंतु वह मेरे नित्य आराध्य हैं। इस प्रकार प्रश्न अपने श्लोक देने के बाद श्री सनातन गोस्वामी ने उनसे प्रश्न किए। ये प्रश्न हम सभी लोगों के भी हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, भक्ति किसकी करनी चाहिए? तृतीय प्रश्न कहा कि भक्ति किसको करनी चाहिए, और चतुर्थ कहा केवल भक्ति ही क्यों करनी चाहिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कि भक्ति क्यों करनी किसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति भज धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सेवा करना, यानी भगवान की सेवा, अर्चन, वंदन, भजना, अर्थात श्रद्धा पूर्वक भगवान के गुण, नाम, रूप, लीला को भजना, जिससे कि आपका अंतकरण शुद्ध हो जाए, भक्ति कहलाती है। दूसरा प्रश्न के उत्तर में भक्ति किसकी करनी चाहिए, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु गीता का श्लोक का उदाहरण उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रज। इसके उत्तर में इतना सुंदर भाव कहते हैं कि भगवान केवल कृष्ण भगवान, यानी कि कृष्ण या राम को ही भजना चाहिए, क्योंकि अगर आप, जैसे अभी प्रभु जी ने भी कहा कि आप यदि देवी देवताओं का भजन पूजन यजन करेंगे तो आपको सांसारिक इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी, परंतु यदि आपको मोक्ष का उपाय करना है तो केवल हरि नाम का भजन ही करना पड़ेगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ में आप जल देते हैं उसके जड़ में, तो उसके तने, उसके पत्ते और सभी में जल पहुंच जाता, उसी प्रकार यदि आप भक्ति पूर्वक जो है, अगर वो भक्ति पूर्वक आप श्री कृष्ण का भजन करेंगे तो आप जो है निश्चिंत ही शरणागति प्राप्त करेंगे।
उसके बाद भक्ति किसको करनी चाहिए, तीसरा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है कि प्रत्येक जो भी वैष्णव भक्त है उसको भक्ति करनी चाहिए। चौथा प्रश्न उनका आया कि केवल भक्ति ही क्यों करनी चाहिए, तो भगवान श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम श्लोक को कहते हैं का उदाहरण करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहते हैं वो कि 84 लाख योनियों के बाद व्यक्ति को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, और इस मानव शरीर प्राप्त होने के बाद भी यदि वो व्यक्ति नहीं करेगा तो उस कलयुग में कल्याण नहीं है, क्योंकि केवल कलयुग में केवल भक्ति ही एक ऐसा सुगम मार्ग है जिसमें जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, क्योंकि भगवान सत चित और आनंद है। दूसरी ओर वह कहते हैं कि जीवन प्रत्येक व्यक्ति जीवन में शाश्वत सुख को चाहता है, परंतु ये संसार जो है वो शाश्वत सुख नहीं देता, क्यों, क्योंकि वह स्वयं नश्वर है, केवल परम पिता परमेश्वर ही इस शाश्वत सुख को देने वाले हैं। अब आता है कि उन्होंने उनसे किसी ने पूछा कि भक्ति, अच्छा ये बताइए कि भक्ति के प्रकार क्या है, तो वो बोलते हैं कि भक्ति के दो प्रकार हैं, एक है साधन भक्ति और दूसरी है साध्या। अब इन दोनों के प्रकार को डिफाइन करते हुए एक छोटा सा श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्य आत्मनिवेदनम। जिसको निष्काम भाव से, यानी इन 8-9 भक्तियों को अगर व्यक्ति निष्काम भाव से करे, कामना ना हो, तो उस जीव का कल्याण संभव है। जब इस जीव का निष्काम भाव से साधना भक्ति का अनुष्ठान करता है जो भी जीव, तो इस साधना भक्ति के अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसे साध्या भक्ति प्राप्त होती है, यानी साधना भक्ति से ही साध्या भक्ति प्राप्त होती है, और अंत में यह साध्या भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति बन जाती है। अब उन्होंने किसी ने संत ने पूछा, प्रभु ये लक्षण क्या है भक्ति के। देखिए आप सभी का भी प्रश्न है कि हो सकता है कि लक्षण कैसे हैं सर, यानी तो प्रभु कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन करते करते जब हरिनाम प्रिय लगने लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, और उस हरिनाम में श्री राम नाम या श्री कृष्ण नाम में स्वाद आने लगे, तो और उसके बाद किंचित किंचित मधुरिमा का स्पर्श होते ही कीर्तन में रोमांच उत्पन्न हो जाए, और जैसे ही आपके रोमांच उत्पन्न होता है तो हृदय में स्वयं साक्षात प्रभु विराजमान हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे आंखों से अश्रुधार बहने की का मन करता है कि अश्रुधार बहाने लगे, और बहुत प्रयत्न करने पर, उसको बहुत रोकने पर, और जब वो रुकने में असफल हो जाती है तो नेत्र से गंगा यमुना की धार बहने लगती है, और जब कीर्तन करते करते गंगा यमुना की धार बहने लगती है तब समझ लेना चाहिए कि चित्त का दर्पण के मैल की सफाई हो गई है। वह धुलते 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 इतना निर्मल हो जाता है कि जिससे वह संसार रूपी विस्मृति से दूर हो जाता है, और जब वह जिधर भी देखता है उधर भगवान का दर्शन करने लगता है। भगवान के महाप्रभु यहाँ पर एक चीज को इंगित करते हैं कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह भगवान जो से धर्म और कर्म की पूंजी बांध कर देते हैं, तो मुट्ठी बंद होकर आती है, और वो जब लौटता है तो हाथ खुले होते हैं। अर्थात वह ये बता रहे हैं कि आपको भगवान ने जन्म कर्म की बुद्धि, धर्म कर्म की आपको पूंजी देकर भेजा, और आपने पूंजी नष्ट कर दी। क्यों? क्योंकि काम क्रोध मद और लोभ नामक डकैत आपकी इस सभी पूंजी को समाप्त कर देते हैं, और इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों को एक भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि यदि सपोज करो कि किसी जंगल में आप ध्यान कर रहे हो, और ध्यान करते करते आपस में पेड़ों की रगड़ के कारण आग लग जाए, और आग लगते ही आपको पता चले कि आग लग चुकी है, और आपका शरीर दावाग्नि से जल रहा हो, और समीप में भगवान गंगा जी बह रही हो, तो यदि आप गंगा जी में कूद जाओगे तो आपका जो ताप है वो समाप्त हो जाएगी। तो वो इधर समझाने का क्या प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार रूपी जंगल में राग द्वेष की रगड़ से आग लगी हुई है, और धू धू करके ये संसार जल रहा है। चाहे हम कितने भी सफेद कपड़े पहन लें, लेकिन हमारे अंदर राग और द्वेष, काम क्रोध मद लोभ मोह की आग से जलाते रहते हैं, लेकिन अंत में वह कहते हैं कि भक्ति रूप में हरिनाम रूपी गंगा में यदि मैं अगर आप डुबकी लगाओगे तो आपकी
आपको इस तपन से बचाया जा सकता है। कहते हैं कि उन्होंने एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा है कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गति रम्यथा। चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं कि जो भक्ति विहीन जीव हैं उनके माध्यम में आप उनको एक बहुत ही सरल उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो है संसार रूपी कमल खिला है, एक सरोवर में संसार रूपी कमल खिला है जिस पर जीव रूपी यानी हम स्वयं जीव रूपी भौरा आकर उसकी कर्णिका पर बैठ जाता है और इस लंपट भ्रमण का इतना यानी ये लंपट भ्रमण इतना मतवाला हो जाता है, इतना मतवाला हो जाता है मकरंद पीते पीते, और ये भूल जाता है कि सूर्यास्त हो जाएगी और वो कमल बंद हो जाएगा। वह जानता है कि मैं बाहर नहीं निकल सकता लेकिन आसक्ति के कारण वह बाहर नहीं आता, और जब जब वो अंदर बंद हो जाता है तो वह सोचता है कि नहीं सूर्यास्त तो होगा ही और जब सूर्यास्त होगा तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन तभी क्या होता है, सूर्यास्त होते ही काल रूपी हाथी सरोवर के अंदर प्रवेश करता है और उस कमल को तेजी से तोड़ लेता है और तोड़कर अपने मुख में मंडल में रख लेता है। यहां प्रभु समझाना चाह रहे हैं कि इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि विषय वासना के रस में आसक्त हुआ जीव भक्ति विहीन होकर यह सोचता है कि एक ना एक दिन मैं मेरे जीवन में सुप्रभावित होगा, परंतु काल रूपी हाथी उसका सर्वनाश कर देता है। क्यों? इसलिए दैहिक दैविक भौतिक ताप जो त्रिविध ताप है वह संसार रूपी आसक्ति से मुक्ति नहीं दिला सकते, उसका मुक्ति दिलाने का केवल साधन भक्ति में श्री हरिनाम संकीर्तन के चंद्रोदय की शरण ली जाए जिसमें भक्ति मार्ग पुष्ट होगा और आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। उनके शिष्य ने एक और प्रश्न कर दिया कि प्रभु कीर्तन ही क्यों, आपने तो अभी बताया श्रवणम कीर्तनम यस्य, तो वो कह रहे कि आपने श्रवण कीर्तन के लिए क्यों नहीं कहा, तो उन्होंने कहा श्रवणम के लिए क्यों नहीं कहा, श्रवणम स्मरणम के लिए क्यों नहीं कहा, तो वो वहां समझाते हैं कि श्रवण और स्मरण काल में केवल जो श्रवण करता है यानी जो श्रवण कर रहा है केवल उसी का ही उद्धार होगा, परंतु यदि वह कीर्तन करता है भक्ति भाव में तो वो अपने हृदय में उसका स्मरण प्रभु का स्मरण करता है, तो पहली स्मरण भक्ति पूर्ण हो जाती है, उसी के साथ साथ जब उच्च स्वर में वह उच्चारण करता है तो श्रवण भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि वो अपना कल्याण तो अवश्य निश्चित ही कर लेगा, साथ ही जब वो उच्च स्वर में यानी कि महिमा में राम नाम का या कृष्ण नाम का भजन करता है तो वायुमंडल में जहां तक भी ये राम नाम या कृष्ण नाम व्याप्त होता है वहां तक के चराचर जीव इस हरिनाम संकीर्तन का दान प्राप्त करते हैं, तो साथ अपना अपने साथ ही वह संपूर्ण चराचर का भला कर पाता है। यह इसलिए श्रवण और स्मरण से की अपेक्षा भगवान कहते हैं कि श्रवण और स्मरण की अपेक्षा कीर्तन बड़ा ही शुद्ध और सरल है। स्कंद पुराण का एक उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि नारद और शरद कुमार जी के बीच में उन्होंने नाम की महिमा को दर्शाया है। सनत कुमार जी का संवाद है, राम नामेव नामेव नाम नामेव जन मम जीवनम कलो नास्तेव नास्तेव गति रम्यथा, अर्थात राम या कृष्ण का नाम केवल नाम जप ही इस संसार और भवबंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। हमारे श्री बक्सर वाले नारायण दास जी ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को के जन्म के लिए एक छोटा सा लाइन लिखी है, क्या सोच रहा है चरित चपल, क्या सोच रहा रचा है चरित चपल, चित चोर मुरली वाले तज श्याम वर्ण हरण भय तन गौर मुरली वाले, यानी कि जब इस संसार का कल्याण करने के लिए चरित चपल श्री कृष्ण ने ये सोचा कि इस संसार का कल्याण कैसे किया जाए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्याम वर्ण को तजकर गौर वर्ण यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना जन्म लिया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों करोड़ों अजामिलों के बराबर अधम जमाई और मधाई को परम प्रेमी बना दिया और साथ ही उन्होंने अपने भक्ति मार्ग से ऐसा प्रकांड प्रकाश किया कि इस भारत वर्ष में जो भक्ति शिथिल हो गई थी उसको पुनः निर्माण किया है। मैं अंतिम शब्दों में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी भी
केवल भक्ति मार्ग में ही आगे बढ़े, क्योंकि कहा गया है कि हरि नाम, केवल हरि नाम ही इस भवबंधन से मुक्त करने वाला है। चैतन्य महाप्रभु का दिया गया ये श्लोक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, इसे तारक मंत्र समझना चाहिए। कलयुग में सभी जीवात्माओं को यदि भक्ति मार्ग से आगे बढ़ना है तो ये तारक मंत्र बहुत ही उत्तम और परम 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 शुभ कार्य है। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा सा बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, वेरी एक्सलेंट। यही काम करना है सब लीडरों को, एक एक दिन एक एक बार सब लोग आना है, एक एक टॉपिक पे बोलना है।